नशीले या मादक ड्रग्स के रूप में सांप के विष का इस्तेमाल करने के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गौरतलब है कि नशीले ड्रग्स का उपभोग आनंददायक अनुभूति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गांजा जैसे ड्रग्स नशा करने वाला व्यक्ति अपने पैर या जीभ पर सांप से कटवाता है। इसमें कोबरा और इंडियन करैत जैसे सांपों का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। सांप के विष में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन में मनोत्तेजक माइंड ऑल्टरिंग गुण होते हैं। विष मानव रक्त में प्रवेश करते हुए सेरोटोनिन जैसे सक्रिय मेटाबोलाइट्स चयापचय क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले मध्यवर्ती उत्पाद मुक्त करता है। ये मेटाबोलाइट्स स्वापक, हाइपनोटिक और शामक, सेडेटिव जैसे साइकोट्रोपिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सांप के काटने से लकवा, हेमरेज, किडनी को क्षति और स्थायी दिव्यांगता हो सकती है। औषधीय में सांप का उपयोग। सांप के विष का उपयोग गठिया, कैंसर और खसरा जैसी वायरल बीमारियों के उपचार किया जाता है। हमारे देश में जितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं उनमें से केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। वे कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर, दुबोया, सौ स्कैल्ड वाइपर, अफाई है। मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति के बिना सांप का विष निकालना और रखना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक दंडनीय अपराध है। वायरल न्यूज फॉर रजिस्टर्ड अगेंस्ट एल्विश यादव। नोएडा सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में दर्ज फॉर के मुताबिक एल्विश यादव के खिलाफ वन अधिनियम 1972 और NDPS अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि एल्विश यादव पर आरोप है कि वो जहरीले सांपों की तस्करी करता था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।